अस्सलामुअलैकुम बच्चों बच्चों क्लास सिक्स है, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सवर्ड काउंटडाउन। चैप्टर नंबर वन नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स, टॉपिक का नेम है टेस्ट पेपर वन और इसका क्वेश्चन नंबर नाइन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर वन क्वेश्चन नंबर नाइन। इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ। राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सो एज टू मेक दैम इक्वल। यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए होंगे, उनको हमने फिल इन द ब्लैंक करना है, जो ब्लैंक होगी उसको हमने फिल करना है। किस लिहाज से? उनको इक्वल बनाने के लिहाज से। ठीक है, उनको इक्वल बनाना है हमने बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्ट नंबर वन। ए इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड लाहौर। लाहौर जो लेटर है ना, इसके जो वर्ड हैं इसका हमने सेट बनाना है, एल ए एच ओ आर ई। ठीक है, वो ए के अंदर शामिल है। तो ए सेट में बच्चों क्या चीज़ शामिल है? लाहौर वर्ड के लेटर्स। ठीक है, इस तरह एक सेट दिया हुआ है बी, इसमें है ए एच आर ए और आगे खाली जगह छोड़ी हुई है फिल। ठीक है, इसको हमने ब्लैंक छोड़ी हुई है, इसको हमने फिल करना है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिस हैं इस सेट में से देखें, जो मुकम्मल सेट है उसको देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें मिस हैं, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो इसमें एल और ओ मिस था, वो हमने लिख दिया। तो अब ये दोनों सेट इक्वल हो गए हैं बच्चों। ठीक है, अब पार्ट नंबर टू है इसका बच्चों। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद ए। साल के ऐसे महीनों के नाम लिखें जो ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो सेट ए में बच्चों कौन से महीने शामिल होंगे? फिर अप्रैल और अगस्त। ठीक है, तो अप्रैल और अगस्त इसमें शामिल होंगे। और एक सेट दिया हुआ है बी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रैल दिया हुआ है, एक ब्लैंक छोड़ी हुई है, खाली जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, तो इस ब्लैंक को हमने फिल करना है यहाँ से देख के, पहले सेट को देख के। ठीक है, तो पहले सेट में कौन सी चीज़ है जो दूसरे सेट में नहीं है? अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? अगस्त लिख दिया। ठीक है, अब पार्ट नंबर थ्री को देखें। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों जो है ये आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? ए एम्प्टी सेट आएगा। मैं बताता हूँ क्यों आएगा। पहले ए को बी को देखें। एक्स सच दैट एक्स इज़ द लास्ट होल नंबर। कोई बता सकता है कि होल नंबर आखिरी जो है, आखिरी होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर बच्चों होते कौन से हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, कोई बंदा नहीं बता सकता कि आखिरी जो नंबर है वो कौन सा है। अगर कोई बच्चा बताए कि वन लाख जो है, यानी कि एक लाख आखिरी नंबर है, तो मैं कहूँगा नहीं जी, एक लाख से ऊपर भी तो गिनती होती है, एक लाख एक, एक लाख दो, एक लाख तीन। ठीक है, तो इस तरह अगर कोई बच्चा कहता है कि एक करोड़ जो है वो आखिरी नंबर है, तो मैं कहूँगा एक करोड़ एक, एक करोड़ दो, इससे भी ऊपर नंबर है। ठीक है, तो कोई बंदा नहीं बता सकता कि आखिरी होल नंबर कौन सा है, तो लिहाजा ये खाली सेट होगा। इसमें बच्चों क्या है? एम्प्टी सेट, इसमें एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अगर हमने ए को बी के इक्वल बनाना है तो इसको हमें ए को क्या रखना पड़ेगा? एम्प्टी रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एम्प्टी रखना पड़ेगा। अगर हम जीरो के ऊपर ये कट का निशान लगा देते हैं तो ये हो जाता है एम्प्टी सेट, इसमें ये वाला आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एम्प्टी सेट। इस तरह बच्चों आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर फोर। ए सेट दिया हुआ है फाइव टेन फिफ्टीन और ट्वेंटी। ठीक है, ये देखें पाँच का टेबल है, फाइव टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी, फाइव के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मल्टीपल्स हो या टेबल हो एक ही बात है, ये फाइव के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, फाइव टेन फिफ्टीन और ट्वेंटी, 25 से नीचे नीचे फाइव के मल्टीपल्स दिए हुए हैं ये। ठीक है, आगे बी को देखें। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ डैश लेस देन 25। तो अगर हमने बी को ए के इक्वल रखना है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ हम मैं क्या लगाऊंगा? फाइव लगाऊंगा, लेस देन 25। ठीक है, तो बी भी ए के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा ये जो है क्वेश्चन लास्ट था। अब मैं बुक से आपको पेज नंबर बताता हूँ। बुक से पेज नंबर है बच्चों 17 ये जो है, और क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन है। ये हमारा कंप्लीट हो गया आज। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।